मैं सरोज आप सभी का परब किचन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उस रेसिपी का नाम है तंदूरी चाय। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो जरूर मेरी रेसिपी को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। हाल ही में मैं पूना जाके आई हूँ। पूना में एक प्लेस है खराड़ी, उस जगह की तंदूरी चाय बहुत फेमस है। उस जगह पे तंदूरी चाय तंदूर की भट्टी में बनाई जाती है, बट मैंने सोचा कि वो तंदूरी चाय भट्टी में कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास तो घर घर में भट्टी है नहीं, तो सोचा ये चाय को बनाने का आसान तरीका ढूंढ लेते, और मैंने वो आसान तरीका ढूंढ लिया और मैंने सोचा आप सभी के साथ वो शेयर करूं, ताकि आप भी घर बैठे इस बारिश के मौसम में तंदूरी चाय का मजा ले सके मेरे साथ। मैंने यहाँ पे दो लोगों के लिए चाय बनाने की सामग्री ली है। ये एक कप पानी है, एक कप पानी के साथ एक कप दूध, शक्कर, चाय पाउडर, ग्रेटेड अदरक, उसके बाद ये गावटी चाय पत्ती है, और उसके बाद ये इलायची है। इससे हम चाय बनाएंगे। और तंदूरी चाय में लगने वाला सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है छोटा सा मिट्टी का बर्तन, जिसको खराड़ी गांव में भट्टी में जला जला के इसको गर्म किया जाता है। ये मिट्टी का बर्तन आपको कहीं पे भी मिल जाएगा मार्केट में। तो इस बर्तन के सहारे ही तंदूरी चाय बनाई जाती है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था और 3-4 घंटे धूप में सुखा लिया था, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे गर्म करते हैं, और इसको गर्म तब तक करना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो ये मिट्टी का बर्तन गर्म करने के लिए हमें सबसे पहले गैस चलाती हूँ मैं। इसके ऊपर मैंने ये मिट्टी का बर्तन रख दिया है। तो जब तक ये मिट्टी का बर्तन दूसरे गैस पे गर्म होता है, तब तक हम ये गैस दूसरा गैस जला के इस पे चाय बना लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले चाय बनाने के लिए पतीला रख दिया है गैस पे। दो लोगों के लिए चाय बना रही हूँ तो मैंने एक कप पानी लिया है। इस पानी को पतीले में डालिए। मुझे इस मिट्टी के बर्तन को चारों साइड से गर्म करना है और अंदर से भी। इसके लिए ये पकड़ के सहारे से इस मिट्टी के बर्तन को कुछ इस तरह से पलटी पलटी करके आपको चारों साइड से इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। अच्छे से आप देख सकते हैं इसका कलर अभी से चेंज होना शुरू हो चुका है। पानी अच्छे से उबल चुका है। अब हम ये ग्रेटेड जो अदरक है इसको डालेंगे। ये ग्रेटेड जो अदरक है इसको पानी उबलने के साथ डालने से अदरक का जो टेस्ट है वो पानी में अच्छे से आ जाता है। अदरक अच्छे से मिक्स हो चुका है, अदरक की टेस्ट पानी में आ चुकी है। अब हम एक चम्मच चाय पाउडर डालेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा कड़क चाय पीना पसंद है तो आप उसमें थोड़ा सा और चाय पाउडर ऐड कर सकते हैं। इसको ऐसे अभी हमें अंदर से भी गर्म करना है, इसलिए इसको ऐसे पलटी मार देते हैं, जो हमारा मिट्टी का बर्तन है वो अंदर से भी गर्म हो सके। मिट्टी का बर्तन अच्छे से चारों बाजू से गर्म होगा तो ही तंदूरी चाय का मजा आएगा। अभी चाय में हम थोड़ा सा ये इलायची मिक्स कर देते हैं। चाय में हम ये गौती चाय पत्ती डालेंगे, इससे गले में एक बहुत ठंडगी की महसूस होती है। ये गौती चाय आपको बारिश के मौसम में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगी। अभी ये जो हमारा मिट्टी का बर्तन है वो अच्छे से गर्म हो चुका है, और तब तक हमारी दूसरे साइड पे चाय भी बन चुकी है। इसमें अभी हम शक्कर डालेंगे। एक चम्मच शक्कर डालिए। अभी ऑलमोस्ट हमारी चाय बन चुकी है। इसमें हम आखिरी प्रोसेस है जो कि दूध ऐड करना। आप याद रखिए चाय में दूध सबसे लास्ट में ऐड करना चाहिए, ताकि जो ये चाय में दूध का टेस्ट ना रह सके, आपको पूरा चाय का टेस्ट मिलता है। उसके बाद ऐसे ही चाय को चम्मच से थोड़ा हिला लेना चाहिए, ताकि दूध, पानी, शक्कर, बाद में हमने जो गौती चाय पत्ती डाली है, अदरक डाला है, इलायची डाली है, वो सब मिक्स हो सके। अभी देखिए ये मिट्टी का बर्तन का कलर जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, और अभी देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे भट्टी में गर्म होता है उस तरीके से ये बर्तन गर्म हो चुका है, और हमारी चाय भी अभी रेडी है। नेक्स्ट प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, आप संभल के। हम ये मिट्टी का बर्तन बहुत गर्म होता है, आपको पकड़ के सहारे ही इस बर्तन को उठाना है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ, मेरी चाय भी रेडी है। ब्राउनिश कलर आ चुका है और बाहर बहुत अच्छी बारिश है।
तो मुझे ऐसे लग रहा है यार मेरी ये तंदूरी वाली चाय कब रेडी हो और मैं कब इसका स्वाद लूँ। गर्मा गर्म मेरी चाय अभी रेडी हो चुकी है और बाहर बहुत अच्छे से बहुत जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। तो बारिश और चाय दोनों का कॉम्बिनेशन तो सभी को पता है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा बताने की जरूरत है नहीं। तो चलिए मेरे साथ अभी एक लास्ट प्रोसेस है जिसके बाद मैं भी चाय पीऊंगी, आप भी ये चाय बना के पी लीजिए। आप देखिए इसमें मस्त बॉईल आ चुका है। मिट्टी का बर्तन जो है उसका सारा टेस्ट इस चाय में उतर चुका है। अब मैं इसको अपने कप में डालूंगी सावधानी से। ये मेरे ससुर जी है, इनको मैं अपनी ये तंदूरी चाय की टेस्ट लेने के लिए बोलने वाली हूँ, यही आपको बताएंगे कि इनको ये चाय कैसी लगे। बहुत अच्छी रह गई है। तो आइए आप भी मेरे साथ ये चाय बना के ट्राई कीजिए और उसका टेस्ट लेके बताइए कि आपको ये तंदूरी चाय कैसी लगी।